This video is brought to you by United Autos and Throttle the Bikers Cafe. Check description for more information. Assalamu alaikum beautiful friends, my name is Arslan Ahmed and you are watching PK Bikes. So friends, aaj hum baat karenge Mehran gaadi aur nayi launch hone wali Alto 660cc ke bare mein. Iske alawa hum baat karenge Bravo gaadi ke bare mein aur teenon ko thoda sa compare karenge aur aapke samne us cheez ko pesh karenge ki kaun si gaadi aapke liye zyada behtar ho sakti hai aane wale dino mein, yani ki 2019 mein aapke liye kaun si gaadi purchase karna zyada behtar ho sakta hai. Iske alawa friends, aapko ye cheez to pata hai ki Mehran 2019 ki March tak jo hai Mehran discontinue kar di jayegi. Iski jo manufacturing hai wo 2019 ke March ke end tak इसकी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर दी जा रही है, यानी कि इस गाड़ी को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया जा रहा है. इसके अलावा इसकी जगह पर जो गाड़ी लॉन्च होने वाली है वो है आल्टो की 660cc है और इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं. जहां तक फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये ब्रावो से काफ़ी अच्छी गाड़ी है. उसके अलावा ये जैपनीज़ गाड़ी है और अगर पाकिस्तान में यही जैपनीज़ मॉडल लॉन्च होता है तो बहुत बड़ी टक्कर, यानी कि फ्लॉप कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रावो को फ्लॉप कर सकती है. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ मेन स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी के बारे में कि आपको इसमें क्या टॉप स्पीड मिलती है, क्या हॉर्स पावर मिलती है और कौन सा इंजन इस गाड़ी में यूज़ किया जा रहा है. तो आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी में जो इंजन यूज़ हो रहा है वो है 3 सिलेंडर SOHC, यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन में इंजन यूज़ हो रहा है और ये 4 वॉल्स पर मुश्तमिल है. यहाँ पर आपको वाटर कूल की ऑप्शन मिल जाती है और इस गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो है 658 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें इस गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है. बोर की बात कर लें तो 65.0 mm यहाँ पर हमें इसका बोर मिल जाता है. स्ट्रोक की बात कर लें तो 66.0 mm यहाँ पर इसका स्ट्रोक मिल जाता है. तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में तभी जाऊंगा जब गाड़ी हमारे सामने आएगी, लॉन्च होगी, उसका फुली कोशिश यही करेंगे, फुल रिव्यू भी आपके लिए लेकर आऊं. तो यहाँ पर हमें जो इसकी हॉर्स पावर मिल जाती है वो है 55 BHP. यहाँ पर हमें इसकी हॉर्स पावर मिल जाती है जो कि 5000 RPM पर हमें मिल रही होती है. टॉर्क की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस गाड़ी में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि इसकी हॉर्स पावर और टॉर्क का लेवल जो है बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप इस गाड़ी को लॉन्ग में यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देने वाली है. इसमें जो हमें टॉर्क मिल जाती है 54 Nm हमें यहाँ पर इसकी टॉर्क मिल जाती है जो कि 6500 RPM पर हमें मिली होती है. कंप्रेशन रेशो की बात कर लें तो 10.5:1 हमें यहाँ पर इसका कंप्रेशन रेशो मिल जाता है. गाड़ी में आप 30 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और गाड़ी की जो ऑन एवरेज है लॉन्ग की अगर बात की जाए तो ये 20 to 25 km/L देने की सलाहियत रखती है और अगर आप इन सिटीज गाड़ी को चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको 10 to 15 km/L देने की सलाहियत रखती है ऑन अगर शॉर्ट रूट इसको यूज़ किया जाए. इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की, तो ये गाड़ी 140 km/h चलने की सलाहियत रखती है. गाड़ी में 2 वेरिएंट लॉन्च होंगे पाकिस्तान में, एक मैनुअल होगा और एक ऑटोमेटिक होगा. मैं तो यही कोशिश करूंगा कि दोनों गाड़ियों की प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का फ़र्क आना चाहिए. जहां तक इनकी प्राइस की बात है तो ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इनकी प्राइस जो कि मैनुअल गाड़ी है उसकी 8,50,000 रुपये इसकी प्राइस आने वाली है. इसके अलावा अगर इसमें ऑटो गाड़ी आती है जो कि जापानी, बहुत से लोग इस जापानी गाड़ी को पहले भी इंपोर्ट कर चुके हैं जो कि 12 से 14 लाख रुपए के अंदर अंदर जो है आपको इंपोर्ट होकर पड़ रही है. लेकिन अगर सुजुकी वाले इसको लॉन्च करते हैं तो इस गाड़ी की जो प्राइस एक्सपेक्टेड, मैं आपको बताऊँ ये कन्फर्म नहीं है, ये 10 लाख रुपये तक इसकी प्राइस आ सकती है. तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक 12 से 14 लाख रुपये वाली गाड़ी में 10 लाख रुपये मिलने लगेगी. यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर ये गाड़ी मैनुअल 8.5 लाख में ही मार्केट में आ जाती है तो बहुत बड़ी टक्कर ब्रावो को ये गाड़ी दे सकती है. उसके अलावा लोग ज़्यादातर यही चीज़ सोचेंगे कि यार ब्रावो जो गाड़ी है वो चाइना की है और ये जैपनीज़ गाड़ी है, क्यों ना हम इसी गाड़ी को लें. देखिए, अवाम ने ज़्यादातर अपनी सहूलत देखनी है, ठीक है. अवाम ये चीज़ कहती है कि यार हमसे बेशक 1-1.5 लाख ज़्यादा ले लो लेकिन चीज़ हमें अच्छी मिलनी चाहिए. उसके अलावा इस गाड़ी में आपको मिल जाता है पावर स्टीयरिंग के ऑप्शन है, पावर विंडोज़ हैं, पावर मिरर आपको मिल जाते हैं. तो फ्रेंड, प्राइस को लेकर आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, दिखा दीजिए अपना प्यार. लास्ट में आपका होस्ट अरसलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.